आज के लेक्चर में हम लोग जॉन एंड जीसीडी लिस्ट नाम की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और ये मैथमेटिक्स सेक्शन की प्रॉब्लम है हैकर रैंक पे। इसको रीड आउट करते हैं। जॉन इज न्यू टू द मैथमेटिक्स एंड ही डज नॉट नो हाउ टू कैलकुलेट जीसीडी ऑफ द नंबर्स, सो ही वॉन्ट्स यू टू हेल्प हिम इन फ्यू जीसीडी कैलकुलेशन। जॉन हैज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स, वो लिस्ट का नाम है ए, इंडेक्स फ्रॉम 1 to n। ही वॉन्ट्स टू क्रिएट अनदर लिस्ट बी हैविंग एन प्लस वन नंबर्स, इंडेक्स फ्रॉम 1 to n+1 एंड हैविंग द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, जीसीडी ऑफ बी आई एंड बी आई प्लस वन इज इक्वल टू ए आई। फाइन, इसको हम यहाँ पे डिमार्क कर देते हैं कि जीसीडी ऑफ बी आई एंड बी आई प्लस वन इज इक्वल टू ए आई, ऐसा कहा गया है। एज देयर कैन बी मेनी सच लिस्ट, जॉन वॉन्ट्स टू नो द लिस्ट बी इन विच सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इज मिनिमम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारी ऐसी लिस्ट पॉसिबल है लेकिन जॉन को चाहिए बी ऐसी लिस्ट जिसमें सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इज मिनिमम। इट इज गारंटीड दैट सच अ लिस्ट विल ऑलवेज एग्जिस्ट। तो इसको हम सबसे पहले एक एग्जाम्पल से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास ये सैम्पल इनपुट गिवन है। तो सैम्पल इनपुट हमारा लेट्स से गिवन है 1 2 3। तो 1 2 3 से जो लिस्ट हमारी बनेगी वो एन प्लस, ये ए लिस्ट हमारी है, इससे हमें बी लिस्ट बनानी है। तो इससे जो बी बी लिस्ट हमारी बनेगी उसका एन प्लस वन साइज होना चाहिए। तो इसमें हम एक काम करते हैं कि जो पहला नंबर है हम ऐसे उतार लेते हैं और लास्ट नंबर ऐसे उतार लेते हैं 3। देन इसके बाद चूंकि बी हमें लीस्ट वाला चाहिए और ऐसा भी हमें करना है कि जो बी का जो जीसीडी है, बी से कंसेक्यूटिव नंबर का जो जीसीडी है वो हमारे ए के नंबर के इक्वल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हमने 1 और 2 का लेट से हमने एलसीएम कैलकुलेट किया, तो जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होगा वही हमारा मिनिमम वैल्यू होगा। सो 1 और 2 का जब हमने फाइंड किया एलसीएम तो हमारा वो 2 आ गया। अब जब हम 1 और 2 का जीसीडी कैलकुलेट करेंगे सो दैट इन टर्न विल बी इक्वल टू 1। सिमिलरली हमने 2 और 3 का लेट से एलसीएम कैलकुलेट कर लिया, 2 3 का जो एलसीएम आएगा वो 6 आएगा और 2 और 3 का, 2 और 6 का जो जीसीडी होगा वो 2 के इक्वल होगा। सिमिलरली जो 6 और 3 है इसका जो जीसीडी होगा वो 3 के इक्वल होगा। तो शायद हमने सोल्यूशन इसका फाइंड आउट कर लिया है। एक बार एक और एग्जाम्पल से इसको टेस्ट कर लेते हैं। इनपुट हमारा है 5 10 एंड 5। तो ये मेरा ए गिवन है, इससे मुझे बी जनरेट करना है। तो पहला नंबर हमने 5 यहाँ पे निकाल लिया, जो दूसरा नंबर है 5 उसको भी हमने एज ए लास्ट नंबर रख लिया बी लिस्ट में। फिर हमने ए लिस्ट के 2 नंबर्स का एलसीएम फाइंड किया, मतलब कि 5 और 10 का। सो दिस इज 10, तो मैंने बी के नेक्स्ट नंबर की तरह से इसको स्टोर कर लिया। फिर इसके बाद नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर 10 और 5 का हमने एलसीएम कैलकुलेट किया, दैट इज इक्वल टू 10, तो हमने बी में ये नेक्स्ट नंबर स्टोर कर लिया। इसके बाद अगर हम ये देखना चाहें कि 5 और 10 का जो जीसीडी है वो 5 है, बिल्कुल सही है। 10 और 10 का जीसीडी 10 होगा, ये भी बिल्कुल सही है। और 10 और 5 का जो जीसीडी होगा वो 5 होगा, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, आउटपुट भी हमारा ऐसा ही एक्सपेक्टेड है। तो सबसे पहले हम एलसीएम का एक फार्मूला बना लेते हैं। आपको पता है कि ए इंटू बी, अगर ए और बी 2 नंबर्स हैं सो दिस इज इक्वल्स टू जीसीडी ऑफ ए बी मल्टीप्लाइड विथ एलसीएम ऑफ दीज 2 नंबर्स ए बी। तो अगर आपको एलसीएम फाइंड करना है तो एलसीएम विल बी इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाइड विथ बी अपॉन जीसीडी। तो ये हमने एक फार्मूला बना लिया और इस फार्मूले के हिसाब से हम इसको प्रोग्रेस करेंगे। तो आइए इसका हम सोल्यूशन करते हैं, सोल्यूशन लिख लेते हैं। सो हियर इज अ सोल्यूशन जिसमें हमें जीसीडी की जरूरत पड़ेगी। ये हमने यूक्लिडियन एल्गोरिथम का यूज करके जीसीडी लिख लिया है, जिसमें हमने कहा है कि अगर ए 0 है तो बी रिटर्न कर दें, बी 0 है तो ए रिटर्न करें, अगर ए ग्रेटर देन बी है तो ए मॉडुलस बी बी रिटर्न कर दें जीसीडी फाइंड करके, और अदरवाइज मतलब कि ए लेस देन अगर बी है तो जीसीडी ऑफ ए और बी मॉडुलस ए फाइंड करके हम रिटर्न कर दें। सॉल्व फंक्शन मेरा इनबिल्ट फंक्शन है इस प्रॉब्लम का, जिसके अंदर हमें सॉल्व करना है और हमें ए वेक्टर ऑलरेडी गिवन है और इससे हमें बी वेक्टर फाइंड करना है। तो बी वेक्टर को हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर लिया एंड देन उसके बाद बी में ए की जो सबसे पहले इंडेक्स की वैल्यू उसको स्टोर कर लिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल 5 10 और 5 था, तो ये जो पहली वैल्यू है ए एरे की उसको हमने बी एरे में भी इंसर्ट कर लिया। सो जो A0 वैल्यू उसको हमने बी वेक्टर में इंसर्ट कर लिया, पुश बैक कर लिया। फिर इसके बाद ए की जो साइज है वहां तक हम मूव करते गए, और चूंकि हमने पहली वैल्यू इंक्लूड कर लिया अब हमें क्या करना है कि सेकेंड वैल्यू ऑनवर्ड्स फाइंड करना है,
जीसीडी, मान लीजिए कि तीन नंबर्स हैं तो हमें दो बार जीसीडी फाइंड करना है या एलसीएम फाइंड करना है, और अगर हमारे पास तीन चार वैल्यूज होती तो हम इसको तीन बार इसमें एलसीएम हम फाइंड आउट करते हैं। तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमने जीसीडी कैलकुलेट कर लिया ए आई माइनस वन, और ए आई का मतलब कि आई की वैल्यू वन है, इस इंडेक्स को रेफर कर रहा है, तो हमने 10 और ये वाले 5 मतलब कि इंडेक्स नंबर 0 और इंडेक्स नंबर 1 इनके हमने जीसीडी फाइंड कर लिया। देन इसके बाद हमने इनका एलसीएम फाइंड किया, तो एलसीएम हम कैसे फाइंड करेंगे, इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड डिवाइडेड बाई इसके जीसीडी से कर देते हैं, तो इसका जीसीडी आएगा 5, तो ये हमारी वैल्यू हो गई 10। इसको हम पुश बैक करा देते हैं बी एरे में। सिमिलरली नेक्स्ट के लिए हम फिर से करेंगे ये काम, जब आई की वैल्यू 2 हो जाएगी तो वन इंडेक्स और टू इंडेक्स इन दोनों का जीसीडी फाइंड करेंगे, इनका जो जीसीडी आएगा दैट विल बी 5, एंड देन इसके बाद एलसीएम इसका जो आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ दीज टू नंबर्स डिवाइड बाय द जीसीडी, दिस वैल्यू इज 10, तो इस 10 को हम अगेन बी में पुश बैक करा लेंगे। जब हमने इन सभी जीसीडीज को फाइंड आउट कर लिया तो जो लास्ट इंडेक्स का एलिमेंट है ए एरे के उसको भी हम बी एरे में इंसर्ट करा लेते हैं। सो 37 नंबर लाइन ये कह रही है कि बी डॉट पुश बैक ए एन माइनस वन, और फाइनली आपने बी को रिटर्न कर दिया। तो आइए इसको हम रन करके देखते हैं। तो देखिए सैंपल टेस्ट केस हमारे पास हो गए, सबमिट करके देखते हैं इसको। यस, हमारे सारे के सारे टेस्ट केस ब्यूटीफुली रन हो गए हैं। तो ये प्रॉब्लम हमारी है जॉन एंड जीसीडी लिस्ट, जो कि नंबर थ्योरी मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है हैकर रैंक पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।